आज चलाती कैसे, नहीं था घर में कुछ सामान, दिन का फाका रात का फाका, पापों ने ली ली थी जान। ऐसे में एक रोज अचानक आया उनको भाई का ध्यान, ऐसे में एक रोज अचानक कहते हैं उनको शकर के जैसी उनकी जुबान, उनकी चौखट का है भिखारी। चाहे कोई हो धनवान, पूरे होते हैं उस दर पे सारी दुनिया के अरमान। बहन ने सोचा मैं भी चलकर बनूंगी भाई की मेहमान, साबिर को भी ले जाऊंगी, वहीं रहे पाएगा सम्मान मेरा अलाउद्दीन। वहां पर बनेगा एक अच्छा इंसान मेरा अलाउद्दीन वहां पर। यही सोच के एक दिन अपने भाई के घर पहुंची आन, बहन ने तो नहीं था दिया भाई ने वो सम्मान। एक दिन मौका पाते ही वो भाई से बोली, भाई जान आपकी चौखट पर होते हैं पूरे दुनिया के अरमान, मैं भी दुखियारी हूँ भाई, दीजे मेरी और भी ध्यान, मैं तो गुर्बत की मारी हूँ, नहीं है कुछ घर में सामान मेरा अलाउद्दीन अभी तक। इस दुनिया से है अनजान, रोज रोज के फाके ने भी तोड़ के रख दी इसकी जान, मेरे लाल को अपना लीजिए, दीजिए इसको भी पहचान, मेरे लाल को अपना लीजिए। ज्ञान सुनी जो अपनी बहन की बातें, गंज शकर को आया ध्यान, यहाँ अलाउद्दीन रहे तो हर मुश्किल होगी आसान। कहाँ बहन से बुलाओ उसको, कहाँ तुम्हारी है वो जान, आए अलाउद्दीन सामने गंज शकर की खुली जुबान, खोले अलाउद्दीन से बाबा सुनो लगा के ध्यान, आज से तुमको बना दिया है लंगर खाने का जजमान, वहीं लुटाओ जाके लंगर, वहीं तुम्हारा है स्थान, वहीं लुटाओ जाके लंगर। मकान जीवन मानो हवा पे बैठा, समय ने ऐसी भरी उड़ान, इधर अलाउद्दीन अली भी बढ़ा रहे थे अपना ज्ञान। दो ही साल में हो गए हाफिज, रख लिया सीने में कुरान, इल्म इबादत साथ साथ थे, किससे और मिला सम्मान, हुए 18 साल के साबिर। माँ को आया उनका ध्यान, सोचा
छोड़ा अपना मकान जिस दम अपने लाल को देखा। देख हुई उनको हैरान, हालत ऐसी थी साबिर की। खता हुए उनके अवसान, बहन ने अपने भाई से जाकर हाल ये सारा किया बयान। पाक पटन में अपना बेटा छोड़ गई थी फूल समान, आज जो उसकी हालत देखी। खता हुए मेरे अवसान, यहाँ पे छोड़ा लाल को अपने। मैं ही शायद थी नादान, देख के अपने लाल को भाई। जख्मी हुए मेरे अरमान, देख के अपने लाल को भाई। जब साबिर पाक के सर से उनके वालिद का साया हट जाता है तो उनकी वालिदा उनको अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पाक पट्टन ले आती हैं और उनको सारा हाल सुनाती हैं और हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को अपने भाई के पास छोड़ जाती हैं। अपनी अबला जान, अपनी बहन की बातें सुन के होने लगे बाबा हैरान। बोले अलाउद्दीन को लाओ, सुने जरा हम उनका बयान। आए अलाउद्दीन तो बोले, पाक पटन वाले सुल्तान, मियां अलाउद्दीन जरा तुम अपनी हालत करो बयान। मैंने तो लंगर खाने का जाकर मेरी जान, लंगर खाने के मालिक थे। बने हो क्यों दुबले इंसान, लंगर खाने के मालिक थे। यहाँ आए मेहमान, लेकिन ये तो नहीं कहा था। तुम भी खा लो मेरी जान, फिर मैं कैसे खाता बाबा। कैसे करता भोजन पान, 12 साल से मेरे बाबा। मैं हूँ दाने से अनजान, आपने जैसा कहा था मुझसे वही किया मैंने सुल्तान। सुन के अलाउद्दीन की बातें हुए हैरान, बोले तुम सच्चे साबिर हो। मेरा दिल तुम पर कुर्बान, यही से साबिर हुए हैं साबिर। बनी है साबिर की पहचान, यही से साबिर हुए हैं साबिर। बाबा फरीद कहते हैं, मैंने तो उसे लंगर खाने का मालिक बनाया था, आप उनको बुलाइए। साबिर पाक आते हैं और बाबा फरीद कहते हैं, क्यों भाई, मैंने तो तुम्हें लंगर खाने का मालिक बनाया था। साबिर पाक कहते हैं, मामूजान, आपने मुझे सिर्फ लंगर लुटाने का हुक्म दिया था, ना कि खाने का। बाबा फरीद ये सुनकर कहते हैं, तू सच्चा सब्र वाला है, तू साबिर है, यहीं से आपको साबिर नाम देते हैं। साबिर थे भरपूर जवान, याद इलाही में रहती थी। लगी हुई साबिर की जान, और न थी उनकी कुछ हसरत, और न था कोई अरमान। एक दिन साबिर बात की माने, कहा है अपने भाई से आन, एक गुजारिश आपसे करने आई हूँ मैं भाई जान। साबिर की शादी करवा दो, साबिर है भरपूर जवान, अपनी बेटी दे दो मुझको, यही है बस मेरा अरमान। साबिर को दामाद बना लो।
शकर की बातें सुनकर हुई वो मन ही मन हैरान, फिर उनके जज्बात में आया एक अनोखा सा तूफान। फिर वो बोली भाई से अपने, निर्धन हूँ मैं तुम धनवान, साबिर से रिश्ता करने में शायद घट जाएगी शान। मैं मुफलिस नादान हूँ भाई, पटन के तुम सुल्तान, मैं मुफलिस नादान हूँ भाई। एक दिन आपकी माँ ने बाबा फरीद से कहा, भाई अब मेरा बेटा जवान हो गया है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, आप अपनी बेटी से साबिर का निकाह कर दीजिए। बाबा फरीद कहते हैं कि बहन, साबिर की हालत ऐसी नहीं है जो उनकी शादी की जाए। ये सुनकर बहन कहती है, शायद साबिर आपका दामाद बनने लायक नहीं है क्योंकि वो गरीब है। ये सुनकर बाबा फरीद अपनी बेटी से साबिर का निकाह कर देते हैं। सुनके अपनी बहन की बातें गंज शकर को हुआ गुमान, बहन मेरी नाराज है शायद दुखी हुई है इसकी जान। यही सोच के गंज शकर ने किया मुरीदों में ऐलान, जाके कोई गाजी को बुलाए, हो तैयार हर एक सामान, तय हो जाए ये भी किस्सा, मुश्किल हो जाए आसान, बहन के दिल को चैन आ जाए, पूरे हो जाए अरमान। अल किस्सा जब शाम हुई तो काजी साहब पहुंचे आन, साबिर जी की हो गई शादी, आई उनकी जान में जान। आगे चलकर क्या होता है जरा लगा कर सुनना ध्यान, आगे चलकर क्या होता है। साबिर जी ने पूछा उनसे, कौन है तू अबला नादान, बोली मैं बीवी हूँ आपकी, आप पे कुर्बा मेरी जान। साबिर जी की नजर उठी तो निकल गई दुल्हन की जान, खाक हुई दुल्हन बेचारी, खाक हुए सबके अरमान, ये सदमा ऐसा सदमा था, जैसे ही साबिर पाक अपनी जलाली नजरें अपनी बीवी पर डालते हैं तो वो वहीं जलकर खाक हो जाती है। गंज शकर ने सुना तो बोले, पहले ही था मुझे गुमान, साबिर की नजरों से जलकर होंगे खाक मेरे अरमान, लेकिन बहन की जिद के आगे कहना मैंने लिया था मान, इसमें खता नहीं साबिर की, वो भी है इससे अनजान, जज्ब का आलम है साबिर पे जो उनसे उलझे नादान, सालिक जब हो जाएंगे तो खुद होगी उनकी पहचान, माँ की चाहत के सदके में मुफ्त गई बेचारी जान, जिस घर में कल चमक दमक थी आज हुआ था वो वीरान, गंज शकर ने सबको बुलाकर महफिल बीच किया ऐलान, गंज शकर ने सबको बुलाकर। करने को प्रचार साबिर कलियर में जाएंगे,
करते हैं वार मजलूमों और नादारों को, कोई नहीं देता है प्यार, सुना है कलियर की धरती पर मची हुई है हाहाकार, गरज पीर के हुक्म से आए कलियर में साबिर सरकार, गरज पीर के हुक्म से आए। लगा उनका व्यापार, आने लगे साबिर के द्वारे, वहां के मुफलिस और नादार, साबिर ने सबको अपनाया, सबके दिल की सुनी पुकार, भीड़ लगी हाजत मंदों की, सजने लगा उनका दरबार, जिसने प्यार किया साबिर से, दिया उसे साबिर ने प्यार, खड़ी जो की थी काजी जी ने, गिरने लगी थी वो दीवार, खड़ी जो की थी काजी जी ने। बाबा फरीद साबिर पाक को कलियर जाने को कहते हैं और आप कलियर आ जाते हैं। कलियर में जब आपकी शोहरत बढ़ जाती है, आपकी करामाते देखकर कलियर का काजी आपसे चलने लगता है। उसकी हुकूमत पर साबिर ने ऐसा किया था कारी बार, कैसे मिले छुटकारा उसको, लगाओ करने सोच विचार, कम किस तरह होगा आखिर, बढ़ता हुआ उसका अधिकार, कैसे होगी जीत हमारी, कैसे होगी उसकी हार, किसी फिक्र में रहता काजी, वो कलियर का बाजार। इतने में कुछ लोग अचानक आ पहुंचे काजी के द्वार, काजी के दरवाजे आकर करने लगे वो चीख पुकार, काजी ने उन सब से पूछा क्यों करते हो तुम तकरार, काजी ने उन सब से पूछा। ही कुछ कीजिए सरकार, काजी ने मन ही मन सोचा, मिला है ये मौका उपहार, अब साबिर की सारी विलायत कर देंगे हम गर्दो गुबार, उसी से अब चल कर पूछेंगे बकरी कैसे हुई शिकार, किसने चुराई है ये बकरी, किसने किया है अत्याचार, लेके उन लोगों को काजी आ पहुंचा साबिर के द्वार, देख के उनको अपने दर पे बोले ये साबिर सरकार, क्यों आए हो मुझसे मिलने, जल्दी करो इसका इजहार, क्यों आए हो मुझसे मिलने। करता है इजहार, आप ही अब कुछ कीजिए साबिर, बंद होता के ये तकरार, साबिर ने बकरी वाले से कहा कि सुने मेरे यार, ना मुझे
सदा तुझको जिन्हार, सुनेगी जब आवाज वो बकरी। सिबा किया है चोर ने मुझको, किया है मुझ पे अत्याचार, पका कि इसने खाया मुझको। ये है मेरा हालेजार, काजी पर जो नशा चढ़ा था, एक ही पल में दिया उतार। इस मंजर को देख कि शायद हुआ था उसका दिल बीमार, लेकिन उस काजी के सर पे है मेरे यार। डालबाज कैसे कर लेता साबिर के सच का इकरार, डालबाज कैसे कर लेता। काजी के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, हमारी बकरी चोरी हो गई है, उसका पता लगाइए। काजी साबिर पाक के पास आता है। काजी साबिर पाक से कहता है कि इनकी एक बकरी चोरी हो गई है, आप उस बकरी का पता लगाइए। साबिर पाक कहते हैं, बकरी वाले तुम अपनी बकरी का नाम पुकारो। जब वो आदमी अपनी बकरी को आवाज लगाता है तो बकरी फौरन चोरों के पेट में बोलती है और साबिर पाक को सारा हाल सुनाती है। काजी ये देखकर हैरान हो जाता है और इस करामात को जादू बताता है। देख के ये साबिर की करामत, हैरत में डूबा संसार, फिर तो और भी रौनक बढ़ गई। और चमका साबिर का दरबार, भीड़ लगी हाजत मंदों की, बेचारों की लगी कतार, आते ही उनकी चौखट पर दुखियों का हो सबकी हाजत पूरी। सुनते थे वो सबकी पुकार, सबके दुख में काम आते थे, सबको देते थे उपहार। साबिर ने कलियर में ऐसा किया प्यार का कारोबार, सबको फैज मिला साबिर से। मुफलिस हो या हो जरदार, होने लगी फिर तो कलियर में साबिर जी की। हो कोई अंगार, मस्जिद में सब रहे नमाजी, बाहर खड़े हुए सरकार, झुके रुकू में और रुकू से हुए वो जिस दम सजदा गुजार, फिर मस्जिद से हुए मुखातिब। यूं मेरे साबिर सरकार, झुके हैं सब अल्लाह के बंदे, खड़ी क्यों तेरी दीवार है मस्जिद, अब तू भी झुक जा, सजदा कर तू भी जिनहार है मस्जिद, अब तू भी झुक जा। एक दिन आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, कलियर का काजी और उसके साथी आपको अगली सब से उठा देते हैं। ये देखकर आपको बेहद जलाल आता है। जब सब लोग सजदे में जाते हैं तो आप मस्जिद को हुक्म देते हैं, ए मस्जिद तू क्यों खड़ी है, तू भी सजदा कर। हुक्म मिला जब साबिर का तो मस्जिद क्या करती इनकार, दफन हुए मस्जिद में नमाजी, हुई वो ऐसी सजदा गुजार, कोई न बच पाया मस्जिद में। दब गए मलबे में एक बार, एक औरत सा
के करने लगी गोहार, मस्जिद में था लाल भी मेरा, उसको मार दिया सरकार, मुझे अब लाना री पर साबिर, ये है सरासर अत्याचार, बोले उस औरत से साबिर, नहीं मरा तेरा दिलदार, जा उसको मस्जिद से बुला के, क्यों करती है चीख पुकार, लेकिन बारह कोस के आगे जाके बनाना तू घर बार, लेकिन बारह कोस के आगे लगी फिर आहाकार, अल्लाह के एक सच्चे वली का देखा दुनिया ने किरदार, बढ़ने लगी जब हद से शरारत, जला दिया सबको जिनहार, जल के राख हुई सब खेती, बचा न कोई भी गुलजार, जल के राख हुई सब खेती। मस्जिद ये हुक्म सुनकर फौरन सजदा कर जाती है और सब लोग मस्जिद में दब जाते हैं। तभी एक मोहतरमा आपके पास आती है कि हुजूर, नमाज में तो मेरा बेटा भी शामिल था, क्या वो भी मर गया? साबिर पाक ने कहा कि नहीं, तेरा बेटा जिंदा है, जा उसको निकाल ले और अब तू यहाँ से 12 कोस दूर चली जा, क्योंकि ये शहर 12 कोस तक खाक होने वाला है। और साबिर पाक 12 कोस तक आग लगा देते हैं। फिर आप एक कूलर का दरख्त पकड़े हुए बिना कुछ खाए पिए 12 साल तक खड़े रहते हैं। एक पटन में गंजे शकर से कहा किसी ने, या सरकार साबिर की नजरों के शोले कर देंगे जीना दुश्वार, गंज शकर बोले के वहां तक कौन है जाने को तैयार, साबिर को कुरान सुनाकर दुनिया पर कर दे उपकार, हाफिज शमसुद्दीन ने बोले मैं हूँ जाने को तैयार, कर ले वो कुरान की तिलावत, लौट आएगी फिर से बहार, फिर फरमाया शकर ने शम्स जरा रहना होशियार, उनकी नजर से बचना वरना मारे जाओगे बेकार, शम्स निकली अरे आके देखा बने थे साबिर 16 बार, शम्स निकली अरे आके देखा। हजरत बाबा फरीद शमसुद्दीन को कलियर जाने का हुक्म देते हैं और कहते हैं, जाओ साबिर को कुरान शरीफ पढ़कर सुनाओ। शमसुद्दीन कलियर आ जाते हैं और देखते हैं साबिर गुलर की शाख पकड़े खड़े हैं। उनकी नजर से बचते बचाते शम्स गए पीछे एक बार, करने लगे कुरान की तिलावत, होने लगे सपने साकार, शमसुद्दीन ने पढ़ते पढ़ते फरमाया साबिर ने, देते रहो कुरान की फुहार, शम्स ये बोले खड़े खड़े अब थकन लगी होने सरकार, तो फिर साबिर ने फरमाया बैठ भी जाओ मेरे यार, शम्सुद्दीन भी फौरन बोले कैसे बैठूं मैं सरकार, आप खड़े हो और मैं बैठूं, मुझसे न होगा ये फरमाया, छोड़े ये बातें
हजरत शमसुद्दीन साबिर पाक को कुरान की तिलावत करके सुनाते हैं और अचानक रुक जाते हैं। साबिर कहते हैं, रुक क्यों गए, बैठ कर पढ़ो। शमसुद्दीन कहते हैं, हुजूर आपके खड़े होते हुए मैं कैसे बैठ सकता हूँ। साबिर पाक भी बैठ जाते हैं। बिठा के मुझको सुनाओ कुरान ताकि मुझको मिले करार, बैठ के कुरान लगे सुनाने। रुके अचानक फिर एक बार साबिर ने फिर शम्स से पूछा, अब क्यों रुकी तिलावत यार। शम्स ये बोले, बैठे बैठे थकने लगा हूँ मैं सरकार। साबिर ने उनसे फरमाया, लेटो लेकिन रहे शुमार, रुके न ये कुरान की तिलावत, रुके न ये रहमत की पुआर। साबिर जी से शम्स ये बोले, कैसे मैं लेटूं सरकार, आप हो बैठे और मैं लेटूं, नहीं है मेरा दिल तैयार। फरमाया मुझको भी लिटाओ, लेकिन जारी रहे बहार, फरमाया मुझको भी लिटाओ। कुरान पढ़ते पढ़ते शमसुद्दीन एक बार फिर रुक जाते हैं। साबिर पाक कहते हैं, क्यों रुक गए। शमसुद्दीन कहते हैं, बैठे बैठे थक गया हूँ। साबिर पाक कहते हैं, तो लेट जाओ। शमसुद्दीन कहते हैं, हुजूर आप बैठे हैं और मैं लेट जाऊं। नहीं नहीं, शमसुद्दीन की बातें सुनकर साबिर भी लेट जाते हैं और सो जाते हैं। होता रहा गम का उपचार, लेटे लेटे नींद आ गई, खत्म हुआ अग्नि त्योहार, नाच उठी कलियर की धरती। आह लौट के आई फिर से बहार, राख से फूटी नई कोपले, बनने लगे फिर से घर बार, भीड़ लगी हाजत मंदों की, सजने लगा फिर से दरबार, आने लगी साबिर के दर पे, दुनिया करने को दीदार। उस चौखट पे जो भी आया, मिले उसे साबिर का प्यार, अपने रंग में लौट आया फिर, चाहते वाला ये बाजार, अपने रंग में लौट आया फिर। साहब ये फरमाए, कलियर से अब पूछ करो तुम, पानीपत में ठहरो जाए, वहीं पे जाके करो रियाजत, वहीं पे डेरा ले ओ जमाए। लेकिन मेरी एक नसीहत, रखना दिल में गिरह लगाए, कभी कहीं भी कोई करामत, तुमसे अगर सरजद हो जाए, उस दिन मैं पर्दा कर लूंगा, मिलूंगा अपने रब से जाए, कफनाने दफनाने का भी, तुम ही करोगे कोई उपाय, जाओ शम्स यहाँ से जाओ, पानीपत अब रहा बुलाए, जाओ शम्स यहाँ से जाओ। बातों को कोई बराती समझ न पाए, सीधे रस्ते
समझ ना पाए। इसी तरह से तीन बार जब खादिम उनको दिए बताए, उस पर भी वो लोग न माने, ढोल और ताशा रहे बजाए। तब साबिर ने एक कटोरा रख दिया धरती पर, ओंधाए गायब हो गए सारे बराती, कोई वहां पर नजर ना आए। हैरत में थे लोग वहां के, लेकिन कुछ भी समझ न पाए। आई जब बारात नगारे, दुल्हन वाले भी घबराए, फिर तो हाहाकार मच गई, छुपे कहां बाराती जाए, फिर तो हाहाकार मच गई। साबिर पाक के मुरीद बारातियों से कहते हैं कि भाइयों यहां शोरगुल न करो। साबिर पाक इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने और हंसने लगे। जब बाराती बार बार मना करने से भी नहीं माने, तो साबिर पाक अपने मुरीद से बोले, वो कटोरा उठाकर मुझे दो। और साबिर पाक ने कटोरे को उल्टा कर दिया, बारात फौरन गायब हो गई। दिल्ली से बारात चली थी, वहां भी पहुंची खबर ये जाए, हो गए सब बाराती गायब, वो सब भी सुनकर चकराए। फिर आपस में किया मशवरा, दरे निजामों दीन पे जाए, सुनके ये महबूबे इलाही उन लोगों से ये फरमाए, वो है इलाका साबिर जी का, वही करेंगे कोई उपाय, उन्हीं से जाके करो गुजारिश, ताके मुश्किल हल हो जाए। आए सब साबिर के द्वारे, लगे वो साबिर को गोहराए, कहां गए वो सारे बराती, बाबा हमको दो बतलाए। साबिर जी बोले कि वहीं पे ढूंढो उन लोगों को जाए, साबिर जी बोले कि वहीं पे। निजामुद्दीन पे आए और निजामुद्दीन से बोले, बाबा कीजिए कोई उपाय, मेरे खुदा महबूबे इलाही, लीजिए उन लोगों को बचाए, एक चिट्ठी महबूबे इलाही उन लोगों को दिए थमाए। बाबा निजामुद्दीन की चिट्ठी लेकर वो कलियर में आए, साबिर जी की खिदमत में जो खत लाए थे दिए बढ़ाए, साबिर जी उस खत को पढ़कर अपने मन ही मन मुस्काए, और कहा अपने खादिम से करो कटोरा सीधा जाए, और कहा अपने खादिम से। साबिर पाक महबूब इलाही का खत पढ़कर अपने खादिम से कहते हैं कि वो कटोरा सीधा कर दो,
जैसे ही खादिम उस कटोरे को सीधा करते हैं, बारात वापस आ जाती है और लड़के लड़की वाले खुश हो जाते हैं। में भर्ती हो गए जाए फौज ने एक राजा के किले पर डाल दिया, जब घेरा जाए किले में राजा बंद हो गया, प्रजा को भी लिया बचाए कई महीने गुजरे, लेकिन किले को जब सब जीत न पाए ये सब अपने सर को रहे थे, किले के पत्थर से टकराए कितने जवानों को मौत आई, जख्म भी कितनों ने ही खाए, बादशाह खिलजी ने ये सोचा कैसे किले को जीता जाए, किसने उसको ये बतलाया, दुआ वली से वो करवाए, किसने उसको ये बतलाया। तुमको फतह दिलाए लेकिन कैसे पहचानोगे, तू तुमको पहचान बताए आंधी और तूफान में भी, वो रहेगा अपना दिया जलाए अपनी फौज के एक अफसर को, दिए शाह फरमान सुनाए आंधी और तूफान में तुमको, जहां दिया जलता मिल जाए फौरन आके खबर करो तुम, तो हमको ये बात बताए फौरन आके खबर करो तुम। नजर ना आए लेकिन एक खेमा था ऐसा, रहा उजाला था फैलाए, खबर मिली जब बादशाह को, बादशाह खेमे में आए शमसुद्दीन को देखा उसने, पुरा को सीने से लगाए आंखें बंद किए बैठे हैं, जोर न तूफान का चल पाए, चाहने की फिर उनसे गुजारिश, दुआ फतेह की कर दी जाए नुसरत आके कदम को चूमे, आसमान रहमत बरसाए दुआ को शम्स ने हाथ उठाए, फतेह खुदाया दे दिलवाए दुआ को शम्स ने हाथ उठाए। बादशाह रात को तूफानों के बीच एक खेमे में चिराग जलता देख वहां जाता है और शमसुद्दीन से कहता है, हुजूर मेरे हक में दुआ कीजिए, मेरी जंग में फतेह हो जाए। शमसुद्दीन उसके लिए दुआ करते हैं और वो जंग जीत जाता है। सुबह हुई तो शाही फौज ने दंग किया घेरे को जाए, जंग शुरू होते ही फौजी जान की बाजी दिए लगाए, दुआ वली की हुई कारगर, फिर तो अचानक कलियर के साबिर याद आए अपने पीर की आगाई को, उनके दिल से निकली हार शमसुद्दीन वहां से निकले और सीधे कलियर में आए, और कलियर में आके देखा पीर ने पर्दा लिया गिरा, पीर की मैयत देखी तो फिर उनके आंसू रुक ना पाए, शम्स ने अपने दिल में सोचा इनका जनाजा कौन पढ़ाए, शम्स ने अपने दिल में सोचा।
अपना दिया दिखाए, कौन है जिंदा कौन है मुर्दा। शमसे अब तक समझ न पाए, कौन है जिंदा कौन है मुर्दा। तभी वो बुजुर्ग अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं। शमसुद्दीन ये देखकर हैरान हो जाते हैं। साबिर पाक कहते हैं, शमसुद्दीन ये फना बका है। समझ नहीं पाए कुछ भी तो पीर से अपने यूं फरमाए, राजी क्या है मेरे आका, मुझको भी दीजिए बतलाए। सुन के शमसुद्दीन की बातें, साबिर जी ने हाथ उठाए, राज फना का और बका का। देता हूँ मैं आज बताए, लाश जो तुम ये देख रहे हो, बना बका किसको कहते हैं। मैंने आज दिया बतलाए, वली खुदा का जो भी चाहे, जैसे चाहे वो हो जाए। वली की जो मुनकिर है कैसर, जो उनको दर्पण दिखलाए, वली की जो मुनकिर है कैसर। कोई चलने पाए, अगर न आए यकीन किसी को, देखे वो कलियर में जाए, उनके दरे अकदस पे आज भी आसमान रहमत बरसाए, जिसको कहीं नहीं मिलता हो। साबिर की चौखट पर जाए, जिसको कहीं नहीं मिलता हो। दरबार में साबिर पाक के जो सर आके झुक गया, ऐसा हुआ असर के बुरा वक्त रुक गया। जिंदगी के गम और अंधेरे सिमटते चले गए, साबिर पाक के करम से सोया मुकद्दर जग गया।